बाबा की जिंदगी में कोई और औरत हो, इट्स इम्पॉसिबल। मामा की जगह कोई दूसरी औरत कैसे ले सकती है? हम बाबा का प्यार कैसे बांट सकते हैं यार? सारा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। बेला, मुझे बुआ की समझ नहीं आती। जब देखो बाबा को दूसरी शादी का बोलती रहती है। आज मैंने भी बुआ के सामने बाबा से पूछ लिया कि बताएं, आप मामा की जगह किसी और को दे सकते हैं? उन्होंने फौरन बोला, नहीं, आई एम हैप्पी विद यू गाइस, लेकिन देख, अब ये फिर बाबा से दूसरी शादी की बात करेंगे। तुम्हें क्या जरूरत थी बाबा से ये सब पूछने की और बुआ के साथ मिसबिहेव करने की? वो हमारी माँ की जगह है। जाओ जाकर सॉरी बोलो उन्हें। यार मैं सॉरी बोल दूंगी, मैं तुमसे ज्यादा इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन यार ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाबा की जिंदगी में कोई और औरत हो, इट्स इम्पॉसिबल। मामा की जगह कोई दूसरी औरत कैसे ले सकती है? हम बाबा का प्यार कैसे बांट सकते हैं यार? काश मामा हमें इतनी जल्दी छोड़कर ना जाती तो हमारी फैमिली भी कंप्लीट रहती। इस पिक्चर की तरह। सारा, तुम जरूरत से ज्यादा बाबा के लिए पोजेसिव हो रही हो। देखो, एक दिन तुमने भी मेरी तरह उनको छोड़कर जाना है ना। बाबा भी इंसान है, उन्हें भी किसी का साथ चाहिए, किसी का प्यार चाहिए। तुम भी बुआ की जुबान बोलने लगी हो। सारा, मैं वो कह रही हूँ जो सच है। मेरी बात को समझो, मैं भी कब चाहती हूँ कि उनकी जिंदगी में दूसरी औरत आए, लेकिन हमारे जाने के बाद बाबा बहुत लोनली फील करेंगे ना, उन्हें भी तो किसी का साथ चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम बोल रही हो। तुम सब मिलके बाबा की शादी कराना चाहते हो ताकि हमारी पुरसकून जिंदगी में तूफान आ जाए, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? सारा, सारा, फल्ला इसका गुस्सा भी पागल है ये लड़की। सारा, सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।